हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। तो आज के इस व्लॉग में हम आपको दिखलाने वाले हैं वर्णन महादेवन मंदिर, जो इलाहाबाद प्रयागराज में है। तो चलिए चलते हैं और आपको दिखलाते हैं। फाइनली गाइज, हम लोग आ चुके हैं इस चौराहे पे, और इस चौराहे से जस्ट हमारे पीछे वो गली गई है जो पंडन महादेवन के लिए जाती है। तो चलिए चलते हैं और आपको पंडन महादेवन का दर्शन कराते हैं, महादेव का। तो आप हमारे ब्लॉग में बने रहें और कहीं मत जाइए। फाइनली गाइस, हम लोग आ चुके हैं पंडन महादेवन मंदिर के पास। बिल्कुल आप हमारे पीछे देख सकते हैं, यही वो मंदिर है बाबा भोलेनाथ का। तो चलिए चलते हैं अंदर, आपको दर्शन कराते हैं और क्या नज़ारा है यहाँ का, क्या इतिहास है, सब यहाँ के बारे में आपको हम बतलाते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे भगवान की मूर्तियाँ स्थापित हैं, घंटा वगैरह टांगे हैं यहाँ पे बाहर। चलिए चलते हैं अंदर, आपको दिखाते हैं। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, ये अंदर का नज़ारा है। हम आपको पूरा शिखर दिखाते हैं बाबा का। देख सकते हैं आप, गेट बना हुआ है बाबा का ये, और वो सामने बाबा की शिवलिंग स्थापित है मूर्ति, यही है पंडन महादेवन इलाहाबाद प्रयागराज। तो चलिए चलते हैं अंदर, आपको बाबा की शिवलिंग के दर्शन कराते हैं। बहुत ही बड़ा घंटा है, हम भी बजा लेते हैं। ये मंदिर के बाहर का नज़ारा है चारों तरफ का। आप देख सकते हैं यहाँ पे सभी भगवान की मूर्तियाँ स्थापित हैं।
और ये धर्मशाला वगैरह बने हुए हैं मंदिर के पीछे। चलिए चलते हैं ऊपर, देखते हैं कौन से भगवान की मंदिर बनी हुई है यहाँ पे। अरे बाप रे बाप, बजरंगबली हमारे प्रभु, हमारे आराध्य बजरंगबली का मंदिर, ये मंदिर के पीछे बना हुआ है। जय हो नंदी महाराज की, जय हो सदा, जय हो महादेव की, जय हो। दिखाना चाहते हैं कि हमारे पंडित जी हैं यहाँ के, बाबा के पुजारी हैं, तो यहाँ के इतिहास के बारे में आपको बताएंगे, कितना पुराना मंदिर है और कब कब मेला लगता है। कब कब मेला लगता है पंडित जी यहाँ के? शिवरात्रि पुरुषोत्तम मास पूर्णवासी अमावस्या सोमवार मंगलवार हर प्रतिदिन। अच्छा, मेले की तो बात मत करो, बाबा की असीम का अनुकंपा यहाँ पे है। मंदिर जहाँ तक माना जाए त्रेता युग के पहले से। अच्छा, त्रेता युग के पहले से। पहले से और बहुत ही शक्तिशाली मंदिर, यहाँ पे सभी भक्तों की मनोकामना पूर्ण होती है। बाबा की शक्ति का अनुसरण तो कोई कर ही नहीं सकता है। आदि भी जो आप माने, जो मांगे वो मिलता है। देश विदेश से लोग आकर के मन्नतें मांगते हैं। बोलो नाम लीजिए। हमको आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा। जय भोले। तो जैसा फ्रेंड्स आपने देखा, अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को हमारे सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।